तो गाइज इस वाटर हीटर को बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे 75 mm का पाइप, जिसे हमने 20 सेंटीमीटर काट लिया है। तो गाइज यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक नल की, और इसके साथ साथ हमें चाहिए एक बंद प्लग, और ये जो है इस पर कुछ इस तरह से लग जाएगा। और यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी सबसे मेन वाटर हीटर, जो कि आपको मार्केट में 100 से 150 के अंदर ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको काट कर हम दो पीस बना लेंगे, ताकि ये नल में भी लग जाए और ये और इस बंद प्लग में भी लग जाए। तो चलिए सबसे पहले इसे हम काटते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर इसे दो पीस कट कर लिया है, जो कि ये दोनों इसे हम एक को बंद प्लग में लगाएंगे और एक को हम नल में लगाएंगे, जो कि आसानी से इसमें लग जाएगा। तो गाइज हम इस बड़े वाले पाइप में दो होल करेंगे, और दोनों होल जो कि 180 डिग्री पर होगा, एक इस तरफ मार्क किए हैं और ये एक इस तरफ मार्क किए हैं हम। तो गाइज हम यहाँ पर इस पाइप में दो होल कर लिए हैं, एक यहाँ पर और एक ठीक इसके विपरीत 180 डिग्री पर एक यहाँ पर हम किए हैं, और एक में हम लगाएंगे नल और दूसरे में हम लगाएंगे बंद प्लग। और इसका ये जो बंद प्लग है ये अंदर से लगेगा। तो गाइज हमने यहाँ पर इस बंद प्लग को कुछ इस तरह से काट लिया है, और ये जो बंद प्लग है ये बंद प्लग इस पाइप में अंदर से लगेगा, और हम यहाँ पर लगाएंगे कुछ इस तरह का। ये जो है इसमें होल है, और इसका ये जो हिस्सा है ये नल में लग जाएगा, और इसे हम खराब नल से ही काटे हैं। तो सबसे पहले हम इस पर ग्लू थोड़ा सा डाल लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें लगा देंगे, अब इसके ऊपर से हम इसे लगा देंगे, और यहां पर भी हम थोड़ा सा ग्लू डाल देते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो गाइज यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से कस लिए हैं, और ये जो सॉकेट है ये लगेगा नल के सॉकेट में, यानी कि जहाँ से पानी हमें आएगा, और इस नल को हम लगाएंगे यहाँ पर। तो इस नल को हम यहाँ पर लगा लेते हैं, और यहाँ पर भी हम ग्लू को डाल देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए और यहाँ से भी लीकेज ना करे। तो गाइज हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फेविक्विक भी डाल देंगे ताकि इसका मजबूती बना रहे और यहाँ से थोड़ा सा भी लीकेज ना करे। तो गाइज हम यहाँ पर इसके दोनों तरफ का कैप भी बनाएंगे, तो हम इसी पैप को गर्म करके इसे सीधा कर लिए हैं, और इसी का हम दो कैप बनाएंगे। तो चलिए इसे हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो गाइज हम यहाँ पर इस कैप को इस पर साट दे रहे हैं फेविक्विक से। तो गाइज हम इसमें एक और होल करेंगे, ताकि ये जो मशीन है इसका ये जो हिस्सा है वो अच्छी तरह से इसमें फिट हो जाए। तो गाइज हम यहाँ पर इसे अच्छी तरह से फिटिंग कर लिए हैं, अब इस पर हम थोड़ा सा फेविक्विक डालकर इसे अच्छी तरह से चिपका देते हैं ताकि इसका मजबूती बना रहे। अब इस पर हम डालेंगे ग्लू ताकि ये लीकेज ना करे। हम यहाँ पर सभी जगह पर ग्लू लगा लिए हैं ताकि लीकेज ना करे। अब इसमें हम इस रॉड को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम यहाँ पर चिपका लेंगे। तो गाइज इसे हम ग्लू से चिपका लिए हैं, और जहां तक हमें उम्मीद है कि ये कहीं से भी लीकेज नहीं करेगा। तो फाइनली हमारा ये वाटर हीटर बनकर तैयार हुआ। अब चलिए इसका टेस्टिंग की बारी है। तो गाइज हम इस नल को लगाने वाले हैं इस सॉकेट में, तो चलिए इस नल को लगाते हैं इस सॉकेट में। तो गाइज अब देख सकते हैं कि इस नल को हम यहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर लिए हैं। अब इसकी बारी है इसमें इलेक्ट्रिसिटी देने की। पहले इसमें हम पानी को भर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे।
तो गाइज हम यहाँ पर लगाते हैं इस प्लग को और यहाँ पर ये जो है हीटर ऑन हो गया होगा। A few minutes later, ये पानी नॉर्मल ही गर्म हुआ है और इसमें हल्का हल्का करंट भी आ रहा है क्योंकि इसमें हमने अर्थिंग नहीं दिया है। 5 minutes later, तो गाइज करीब 5 मिनट के बाद ये पानी काफी गर्म हो गया है और यहाँ पर अभी हमें करंट नहीं लग रहा है क्योंकि हम उस समय जो चप्पल पहने थे उस वो पानी से गीला हो चुका था और अभी ये जो है काफ़ी ये पानी गर्म हो चुका है, मतलब कि नॉर्मली हम इतना इसे चालू कर कर आराम से हम यहाँ पर नहा सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।